चाहिए। एक मजे का शॉट है वो सुनाता हूँ आज, वो बाकी तो जो और कुछ उसके होना ही बाद होना वो था। अनार्की वाली बात है जो आपने जुबैर की आता है। हूँ उसकी तरफ भी, आपका बड़े मजे का है ये। वो जुबैर साहब उस पुलिस वाले के पास पहुंच गए क्योंकि गद्दारी का बच्चा है तो फिर पकड़ लो, दिखाएगा वो क्या बात है। एलिगेशन एविडेंस साबित नहीं होगी कि आपने ये जुर्म किया है, हम आपको चोरी करने वाला होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या किस अगर, इसकी इन्वेस्टिगेशन देखे क्या 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 गद्दारी क्या कर सकते हैं। जो कंप्लेनेंट ने कहा उसकी एफआईआर दर्ज होगी, कोई स्टेप या हमारी इनसे भी जाती है ना, या कोई दुश्मनी नहीं है इनके खिलाफ, जो इल्जाम है जो एफआईआर है उसमें सदाकत होगी तो गिरफ्तारी। तो अली साहब कुछ हम तय क्यों नहीं कर लेते, कोई एक तरीका कार तय कर लें, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि किस तरीके से सियासत को आगे बढ़ाना है, सारों को चोर डाकू डिक्लेयर करना है, गद्दार डिक्लेयर करना है, या कोई मुनासिब तरीका भी हो सकता है। देखिए जुबैर साहब तो नए नए सियासी बने, ज़ाहिर वो गवर्नर रहे हैं तो अब वो ज़रा सियासी वर्कर की तरह वो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप जो वॉलंटरी गिरफ्तारी देने गए हैं, सुना है कि खुद वो जाके गिरफ्तारी शायद देने गए थे, ये वही स्टेटमेंट, तो आप गिरफ्तारी ना दें जुबैर साहब, मियाँ साहब को बुला लें, उनको अदालत बुला रही है, अपने लीडर को बुला लें, अदालत का सामना कर लें, जिसको बुला रही है उसको बुलाएं, आपको तो अभी नहीं बुलाया। देखें मैंने पहले ही पोजीशन वाजे कर दी है कि गद्दारी के मुकदमे की हुकूमत ना सपोर्ट करती है, हमने किया है और वज़ीर आज़म साहब ने क्लियरली इससे अपने आप को डिस्टेंस किया है, नंबर वन। नंबर टू, अली खान को कार्रवाई होनी चाहिए ना, मैं करता हूं। दूसरा, इसके बाद अब ये भी बताना कि हमने जो इसके पीछे था आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं। मैं इसे अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कहा कि नवाज शरीफ का दारनी है, नहीं नहीं मैं आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ अभी तक आप कुछ तय नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी का तय नहीं किया, कुछ नुकात मैं आपके सामने रखूंगा। देखें गद्दार मदार कोई नहीं है, लेकिन हमारा अमल जो है वो साबित करता है क्या हमारा अमल पाकिस्तान या रियासत को तकवीत दे रहा है या कमजोर कर रहा है। मतलब है कि कोई शख्स अपना लाइलमी में या जानबूझ के या किसी भी वजह से कोई काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं तारीखी नुकात आपके सामने रखूंगा, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा मियाँ साहब गद्दार हैं, खुदा ना खास्ता, एक्स प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का 3 बार का, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का दिफा का निज़ाम इतना मजबूत है, एक एक लफ्ज़ मैं सोच के बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान का दिफा का निज़ाम इतना मजबूत है, हमारे इदारे इतने स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह के करम से कोई गद्दार वतन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, लेकिन उनके जो स्टेप्स थे उसने पाकिस्तान को हमारी नज़र में, हमारी जमात की नज़र में हम समझते हैं वीक किया। फॉर एग्जांपल मुझे प्लीज़ बोलने दे पूरा, हाँ स्टेप्स कौन से, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान जाए और वहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से ना मिले, ये एक अजीबो गरीब काम था जब मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में मिले, सुने, सुने, आगे, तो इंडियन प्रेस ने छापा कि देयर इज नो केवर्ड इन प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट, ये सही कहा आपने। देखें कभी भी एक वज़ीर आज़म का ज़ाती ताल्लुक नहीं होता, इमरान खान साहब दुनिया के बड़े पॉपुलर आदमी हैं और थे और हैं, बहुत से दुनिया के गोशे ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान को बाज़ औक़ात लोग नहीं जानते थे और इमरान खान साहब को जानते थे, लेकिन जब वज़ीर आज़म बने हैं उनका ज़ाती ताल्लुक कोई नहीं है, एज़ अ प्राइम मिनिस्टर वो बिहेव करते हैं, एज़ अ प्राइम मिनिस्टर वो मिलते हैं, मेरा ज़ाती कोई राय नहीं, मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, हाँ कोई चीज़ अगर मुझे रियासत या पाकिस्तान के खिलाफ लगी तो बस पर बात मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन जब वज़ीर आज़म एक्स प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आप मिलें नरेंद्र मोदी से पीएम ऑफिस में पीएम हाउस में, ज़ाती ताल्लुक नहीं होता, घर की शादियों में नहीं बुलाते, अल्फाज सख्त हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को बुरा लगने, दूसरा कोई काम नहीं है एक साबिक सिटिंग वज़ीर आज़म का कि वो सज्जन जिंदल से मिले और उसको फिर आप अपने घर में मरी पे जाके वहाँ से मिले, क्यों आप बिजनेस डील करने हैं, हो सकता है ना किया हो आपने कोई बिजनेस डील, लेकिन कभी इस चीज़ की इनकी हायर लेवल से वजाहत नहीं आई। मैं अब अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें आखिरी नुक्ता, मियाँ साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि मैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो नैरेटिव क्या है, नैरेटिव ये है कि यू वॉन्ट्स टू बिकम अ न्यू खून अपना न्यू बॉर्न छे गोवेरा या एक नया एक डेमोक्रेट एक महात्मा गांधी टाइप का जो है नेल्सन मंडेला, कि भाई मैं अब सीख गया हूँ, मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा आईजीआई वाली, मैं वो मलिक कयूम वाली गलती अब नहीं करूँगा, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करूँगा, मैं अब समझ गया हूँ, मैं सुधर गया हूँ और मैं समझता हूँ कि जो गलतियाँ मैं हमने की हैं वो अब आज ना दोहराई जाएँ, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतना समझ गए हैं और आप इतना जमहूरी बन गए हैं तो फिर आप मोहम्मद जुबैर साहब को कौन सी डील कराने वहां भेजा था आपने, क्यों एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे उसमें चार सवाल हैं, बस ब्रेक से पहले सुन लें,
کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ آپ کی ریکویسٹ پہ تھا؟ کیوں کہنا پڑا کہ اپنے کورٹ کے مسائل کورٹ میں حل کریں؟ کیوں کہنا پڑا کہ پالیٹکس کے مسائل پارلیمان میں حل کریں اور ہم کو این آر ڈرائیو کریں؟ جب آپ کو نہیں ملا این آر او تو پھر آپ نے اے پی سی میں چڑھائی کر دی اسٹیبلشمنٹ پہ اور کہا کہ عمران خان سے نہیں، لانے والوں سے مقابلہ ہے،